लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा तेजी से अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। विधानसभा स्तर से भी इसके मिलन सदस्यता अभियान चलाया गया था। इसमें विपक्षी दलों के लोगों ने भगवा ओढ़कर कमल खिलाने का संकल्प लिया। यहाँ विभिन्न दलों के करीब 100 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। सदस्यता ज्वाइन करने वाले लोगों ने 2024 में होने वाले संसदीय चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष लोगों को जागरूक कर उनके नीतियों को बताने के साथ पार्टी को मजबूत करने की बात कही। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बस्ती जनपद के रुधौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी पुष्कर आदित्य सिंह सहित उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा तेजी से अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। विधानसभा स्तर से भी इसके मिलन सदस्यता अभियान चलाया गया था। इसमें विपक्षी दलों के लोगों ने भगवा ओढ़कर कमल खिलाने का संकल्प लिया। यहाँ विभिन्न दलों के करीब 100 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। सदस्यता ज्वाइन करने वाले लोगों ने 2024 में होने वाले संसदीय चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष लोगों को जागरूक कर उनके नीतियों को बताने के साथ पार्टी को मजबूत करने की बात कही। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बस्ती जनपद के रुधौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी पुष्कर आदित्य सिंह सहित उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है।